कहाँ से आए हैं आप? सर गोंडा से हैं। गोंडा जिले से हैं? जी सर। किस एंट्री के वगैरह जा रहे हैं एसएसबी में? सर एनडीए। एनडीए के लिए? जी सर। तो 10th अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए? जी नहीं सर, इससे पहले वाले। 148 के लिए? बड़ा लेट में आपने डेट चुना। जी सर, तो 20 मई को है सर, लेट तो हुई। मुझे लगता है लास्ट बैच है जी जो आप जा रहे हैं। जी सर, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका खत्म हो चुका है। कौन सा बोर्ड मिला है? अच्छा, इलाहाबाद बोर्ड ही मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहली बार एसएसबी में जा रहे हैं? नहीं सर, दूसरी बार सर। पहली बार कहाँ गए थे? पहली बार बेंगलोर गए थे। स्क्रीन आउट थे? जी सर। किस एंट्री से? सर यही एनडीए सर। जी, 2020 में कोविड के दौरान सर गए। जी जी। तो 2020 में आप गए? जी मतलब 2020 के बाद जो 6 सितंबर को हुआ था उसके बाद सर 21 लगभग आ गया था। जी जी, क्योंकि उसके बाद तो दो एसएसबी आप गए होंगे बैक टू बैक। जी नहीं सर, एक एसएसबी गए थे उसमें। क्वालिफाई तो दोनों के लिए रहे होंगे आप? जी सर। तो एक क्यों गए आप? सर एक ही गए, एक ही में सर था। अच्छा, आपने दोनों के लिए अप्लाई ही नहीं? एक के लिए अप्लाई किए थे, 2020 का फर्स्ट में हम अप्लाई किए थे, सेकंड नहीं किए। सेकंड किए ही नहीं? जी सर। जबकि कर दिए, जब कर दिए होते तो दोनों के लिए आप जाते वहां से। हां जी, वो समय एंट्री हुआ करती थी कितनी? 145 एंट्री थी क्या? थे 144 एंड 145। फिर 146 आपका हुआ जो है 2021 के अप्रैल में, जिसको बहुत टालने की कोशिश लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद 147 हुआ नवंबर में जाकर के आपका। और सर बहुत खुशी हो रही सर आपसे मिलके। सर मोबाइल पे ही आपको देखते थे आसान पर्सनल मिलकर के। जी जी, बढ़िया। तो ये बताइए कि रिटर्न आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्षमता भी है आप में, तो एसएसबी के दृष्टिकोण से कुछ काम किया अभी तक आपने? पर्सनालिटी पे आपको काम करना पड़ेगा। गोंडा जिले से हैं आप? जी सर। कौन सा गांव लगता है गोंडा में? सर विशेषरगंज पड़ता है। विशेषरगंज? जी सर, गोंडा बहरे से एकदम बॉर्डर पे है। जी जी जी। उसमें एक सोहरियाओ पड़ता है मौजा, तो वहाँ पे आपका गांव है। हाँ जी। तो गांव के इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है? जी सर। तो कैसे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया बेटा कि एनडीए तुम क्रैक कर लिए रिटर्न एग्जामिनेशन? सर मैथ्स हमारे एक सर पढ़ाते थे, राधिका प्रसाद त्रिपाठी, बस्ती में। जी जी। तो उनके यहाँ सर हम पढ़ते थे मैथ इंटर में, तो सर वो इंटर में इतना पढ़ा दिए थे कि मतलब लेवल ला दिए थे, मेंटेन कर दिए। जी सर, और जेई की भी तैयारी करनी थी, तो सर कुछ पैसे की वजह से नहीं कर पाए, बाबा उस समय एक्सपायर हो गए, इधर छूट गया सर। चलिए कोई बात नहीं। पिताजी क्या करते हैं? सर खेती करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नहीं जान लगाइए। यू हैव पोटेंशियल विद द 10 अप्रैल वाला एग्जाम दिए हैं इंडिया का? सर बिल्कुल दिए। तो ये भी क्वालीफाई हो रहे होंगे? कितना नंबर आ रहा है सर इसमें? तो हो जाएगा लगभग। तो जो यूपीएससी आसान आया लगभग। अच्छी बात ये है बच्चे कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया तो दोबारा क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका अपना एक लेवल है। क्या है लेवल? उस लेवल तक आपको जाना होगा। लोगों को लगता है कभी कभी कि जुगाड़ से यूपीएससी निकलेगी, बट ऐसा सच नहीं है। यूपीएससी एक स्टैंडर्ड है और वहां तक मेहनत करनी होती है। ये चीज बहुत जरूरी है। एकेडमिक्स तो यार आपका अच्छा है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट बच्चा पहले ही पर्सनैलिटी पे भी काम करना होगा जी। और इंसान के लिए कुछ असंभव नहीं है, इसलिए हम पूरे देश को समझाते रहते हैं कि फौज की तैयारी वर्चुअल नहीं है। जी, वर्चुअल समझते हैं जी। हाँ, रियल में तैयारी होती है फौज। जब तक आप ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे, तब तक आप में कभी एक बेहतर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एंड बीइंग अ ऑफिसर, बीइंग अ लीडर, दैट एटीट्यूड नीड्स इन यू, वो एटीट्यूड आपके अंदर बच्चा चाहिए। अब देखो एकेडमिक्स इतना अच्छा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपके पर्सनैलिटी पे करनी पड़ेंगी। इसीलिए एमकेसी की तरफ से हर बच्चे को हमने एक साल एसएसबी का एक्सेस दिला रखा है, पूरा का पूरा। एक साल का एक्सेस देने का वजह यही है कि वंस यू डू फर्स्ट टाइम देन यू रियलाइज कि वेयर आई एम मिसिंग सर, व्हाट आई एम लैकिंग सर, देन यू विल स्टार्ट टू वर्किंग। बिकॉज देखो ऐसा ऑनेस्ट बात मैं बोलूँ तो हमें तो रिजल्ट पता ही होता है, बिकॉज हम भी पूरी प्रक्रिया में टेस्ट करते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग, प्रॉपर साइकोलॉजी, प्रॉपर GTO, प्रॉपर इंटरव्यू करते हैं, टिल कॉन्फ्रेंस आपको ले जाते हैं। तो हर टेस्ट के बाद हमें सच पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा हो रहा है और कौन सा बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मास ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट तो रखते ही नहीं। हमारा इंडिविजुअल फोकस एनालिसिस, जिसमें पूरी कोशिश हमारी यही होती है कि 1-to-1 बच्चे का। अब 1-to-1 क्या होता है सर? 1-to-1 समझाता हूँ। अब जैसे आपका OIR टेस्ट हुआ, कौन सा टेस्ट हुआ? OIR। अब OIR टेस्ट जो होता है, दैट टेल एवरीथिंग, वो सारी चीजें क्या करता है, हमें बता देता है। तो देयर विल नथिंग कंफ्यूजन कि आपका OIR रैंक 1 है कि आपका OIR रैंक 2 है। अब जब आप यहाँ टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरेंगे तो जिंदगी में पहली बार जानेंगे आपका OIR रैंक क्या है, और इस वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। देन विल टेक यू ऑन द PPDT राउंड,
पीपीडीटी राउंड में हमारे लिए नरेशन आपका बहुत मायने रखता है। इट्स ट्रू कि यू नीड टू डू गुड इन द डिस्कशन राउंड टू, बट नरेशन शुड बी वेरी क्लियर। और नरेशन क्लियर होने के लिए आपकी स्टोरी राइटिंग, आपका कॉन्सेप्ट, आपका विजुअलाइजेशन सब रियल होना चाहिए। आप झूठ मूठ का नहीं कर सकते कुछ, यू नीड टू वेरी रियल, देन यू गिव द कॉन्फिडेंट नरेशन। बच्चे बहुत कहते हैं सर देर वॉज अ फिश मार्केट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट आउट, नथिंग लाइक दैट। अगर आपने नरेशन अच्छा किया है तब भी आप बाहर नहीं होंगे। ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यू भी एनालाइज कि कैंडिडेट एक्चुअल में क्या है, और हम लिख देते हैं साफ साफ ये फैक्टर गड़बड़ है, इनको सही कर लो अपने अंदर। ड्यूरिंग द जीटीओ हमें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या है। ड्यूरिंग द साइकोलॉजी टेस्ट जब आपका डोजियर हमारे सामने आता है तो वी गेट द ऑल फीडबैक्स। हम भी तो चाहते हैं हमारे सारे ही बच्चे रेकमेंड हो जाएं, हम क्या ये चाहते हैं हमारे बच्चे रेकमेंड ना हो क्या? बट मसला ये है कि बच्चों में वो पोटेंशियल नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एक बार दो बार तीन बार, अब जैसे कल रेकमेंड हुआ आदित्य, आज रेकमेंड हुआ है हर्ष पांडे, आदित्य रेकमेंड हुआ है, आदित्य बिहार जिले से आता है, छोटा सा गाँव भागलपुर से, तो और बिहार बोर्ड से पढ़ाई की उसने, छठी बार में जाकर रेकमेंड हुआ जी, दो बार वो आर्मी टी एस एंट्री के थ्रू, तीन बार जो है एनडीए एंट्री के थ्रू आउट हुआ, पांच बार आउट हुआ, छठे अटेम्प्ट में 148 एंट्री में बच्चा क्या कर ले गया, फाइनल कर ले गया। तो ये भी कोई बहुत घबराने की बात नहीं, शायद तब वो सक्षम था नहीं, उसकी पर्सनालिटी में चेंज भी मैंने देखे जब मैंने उसको पहली बार देखा था, जब पहले बार वो एनडीए अटेम्प्ट के लिए जा रहा है, तब में और आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज था। इंसान रगड़ा खा के बहुत कुछ सीख जाता है। तो वन थिंग ऑनेस्टली आई सजेस्ट यू कि भारत में अगर एक एक्चुअल एनालिसिस वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एमकेसी है, जो आपको एक एक प्रॉस्पेक्ट पर देख करके सही कर देगा। और एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी बार आप करना चाहें एसएसबी, जब तक आपको ये ना लगे कि सर हम तैयार हैं जंग के लिए, बस अब हमको उतार दीजिए सर, तब तक आप इस परिवार के साथ रह सकते हैं। क्योंकि केवल यही एंट्री नहीं है, इसके बाद अगली एंट्री भी है, इसके बाद अगली एंट्री भी है, क्योंकि जेई का भी एग्जाम दिया होगा आपने, सर जेई का नहीं देना चाहिए आपको, हाँ, क्योंकि आर्मी टी एस और नेवी टी एस दो एंट्री और हैं, तो वो मिस हो जाएंगे अगर आप जेई एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे तो। जस्ट अपीयरेंस चाहिए, अपीयर हो जाएंगे तो आर्मी टी एस आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? आइए बढ़िया से मेहनत करिए बच्चा, और ये मत सोचिएगा ग्रामीण समाज के ऐसे ही आप जैसे ही मासूम बच्चे जाते हैं फौज के अंदर, कोई अफलातून नहीं जाता है, जेन्युइन बच्चा जो दिल से जज्बा रखता है। अगर आप उस छोटी सी जगह से आके ये जज्बा रखते हैं बेटा कि रिटर्न आपने यूपीएससी का क्वालिफाई किया, लोग उसके लिए तैयारी करते हैं, यू नो, तो लाजमी सी बात है कि आप में वो पोटेंशियल है। तो देश का सच बहुत अलग है, देश का सच ये है कि 8 लाख बच्चा इंडिया में बैठा और मात्र क्वालिफाई किया 8,000, कितना क्वालिफाई किया, रिजल्ट कितना हुआ बेटा 1%, बाकी तुर्रम खां सारे हैं जी। उसमें भी सबसे बड़ा कब्जा सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का और आर्मी स्कूल का, ये भी सच सुन लो साथ ही साथ, मतलब 50% कब्जा उनका है पूरा का पूरा। उसके बाद सबसे बड़ा कमजोर एमकेसी का है, बाकी पूरा देश चिल्लाता है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन, बट सिलेक्शन कहीं नहीं, सिलेक्शन यहाँ पे असल में आता है, क्योंकि हम एक्चुअल में मेहनत करते हैं और बच्चों को ब्लफ से बाहर निकालते हैं, उनको ये बताते हैं बेटा कि सच में आप करेंगे तभी आपको सच क्या होगा। इसीलिए जैसे यूपीएससी दो बार कराती है तो हम साल भर में 12 बार यूपीएससी का टेस्ट कराते हैं, दैट मीन मॉक टेस्ट कराते हैं ऑल इंडिया, तो बड़े बड़े बच्चे होश में आ जाते हैं। हम तो कहते हैं जितने ही बच्चे ऑनलाइन ड्रामा करते रहते हैं बैठ करके, वो सारे आते हैं, हर इंस्टीट्यूट के बच्चों को बुलाता हूं, सब लोग आओ टेस्ट में बैठो, इसीलिए फ्री है। लेकिन बहुत है नालायक, सच अपना जानना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि ब्लफ में ही जी के जिंदगी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो उस ब्लफ को मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा एक ही अभियान है कि जो भ्रम और ये जो ब्लफ है ये खत्म करूंगा मैं और लोगों को सच में ले आऊंगा। और बींग एनडीए एस्पिरेंट, हम लोगों ने भी मेहनत की, हम भी गांव से आते हैं, एक छोटी जगह से आते हैं, प्रतापगढ़ के छोटे से गांव से आते हैं, तो हम लोगों ने भी संघर्ष किया जीवन में, मेहनत किया, और उस संघर्ष में समझ में आया कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में, डायलॉग से कुछ होने वाला नहीं है, ये चीज है। तो बस वही जो सच्चाई महसूस की जिंदगी में, वही यहाँ देने की क्या कर रहे हैं बच्चा, कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो आइए लगिए, कम्युनिकेशन पे भी काम करिए, एंड इट्स नॉट टोप, ये कोई बहुत हवा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि वंस यू डिसाइड टू स्पीक इन इंग्लिश देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। वी केम फ्रॉम कंप्लीटली हिंदी बैकग्राउंड, बट देयर इज नथिंग अ सिंगल इंग्लिश वर्ड, हमने शुद्ध सरस्वती शिष्य मंदिर के हम लोग छात्र हैं, हम वहाँ से पढ़ाई किए, बट टाइम बीइंग वन वी डिसाइडेड के लिए कि यार ये भी बेहतर करना है। तो जब हम मैथ के मास्टर हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, तो यार अंग्रेजी के तो हो ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या ये, तो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्लान करिए फटाफट और आइए जज्बे के साथ और लग जाइए, जितना भी समय इधर आपके पास है पूरी तरह से, ठीक है, ठीक है, आप मिल लें।
फीस के बारे में सब कुछ कम नहीं होता है, यहाँ के जो चार्जेस होते हैं, जो सिस्टम है बेटा, वो सब फिक्स होते हैं, हम पढ़ाई देते हैं और फीस बहुत छोटी है, जितना हम दे देंगे आपको, दस बार हम दे देंगे वो चीज, तो वो फ्री है। इफ यू टॉक अबाउट द फी, इट सिंपली फ्री। हाँ, बट उतने बेसिक खर्चे हैं क्योंकि ऑफिसर्स आते हैं, टीम आती है, और जैसे पूरे इंडिया की सबसे विशेष टीम इंडिया के मेजर तलसी के ही पास है, बाकी किसी के पास इतनी बड़ी ऑफिसर्स की एक्सपर्ट टीम नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट ही आपको सिखा सकेंगे ना। आजकल एक नया पैटर्न बनाए हैं, आदमी जो बोर्ड मेंबर है, जो ऑफिसर्स हैं, वही आपको ट्रेन कर सकते हैं। एक आम आदमी आके सोचे हम ट्रेनिंग करें, तो गलत बात है। आंख का डॉक्टर कान का इलाज करेगा तो ठीक नहीं होएगा, गड़बड़ होएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आइए पूरे प्रोसेस के हिसाब से आइए आप, और जम के मेहनत करिए बच्चा, कुछ बदलाव के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए, ठीक है। और आप जैसे बच्चे हैं जो करते हैं, इतिहास बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं, और कोई भी जो ऊंचाई पे पहुंचा है बेटा बिना संघर्ष के वो संभव नहीं। ऐसा हुआ क्या बिना संघर्ष के कोई ऊंचाई पे गया? तो बस समझिए आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं, उसके लिए प्रयास करिए आस्था के साथ, ठीक है। और कोई बात? चलिए, गुड लक फॉर माय सर भैया।